सूरत जिला पुलिस कर्मी नो प्रथम केस पॉजिटिव आवता पुलिस बेड़ा में खळभळाट फैलायो छे। वरेली में पकड़ायेला आरोपीओना जाप्ता में फरज बजावता हता। सूरत सिविल में रमेश भाई फरज बजावता हता। जिल्ला में प्रथम पुलिस जवानो रिपोर्ट पॉजिटिव आवता पुलिस बेड़ा में खळभळाट मची जवा पाम्यो छे। पलसाणा तालुकाना चलथाण खाते खोड़ियानगरनी जलाराम स्क्वेर बिल्डिंगमां रहता अने कड़ोदरा पोलीस मथकमां असिस्टंट पोलीस कॉन्स्टेबल तरीके फरज बजावता रमेशभाई काळुभाई रबारी गत 4 मेना रोज वरेली खाते पर प्रांतीय मजूरो द्वारा पोलीस पर पत्थरमारो करवानी घटना बाद तेओ वरेली खाते बंदोबस्तमां गया हता। त्यारबादमां तेओ पकड़ायेला आरोपीओने घलुड़ी खाते पण जाप्तामां पण फरज पर हता। वरेली घटनामां पकड़ायेला 204 आरोपीओमांथी 15ના रिपोर्ट पॉजिटिव आवता पोलीस बेड़ामां पण चकચાર मची गयो हतो। आ दरमियान आरोपीओना संपर्कमां आवेल कड़ोदरा जीआईडीसी पोलीस कर्मीओने सहितना अन्य पोलीसने पण क्वॉरंटाइन करवामां आव्या हता। जे पैकी पोलीस कॉन्स्टेबल रमेश रबारीनो पण समावेश थतो, तेमज सूरत सिविल खाते कोविड वोर्डमां राखवामां आवेला वरेलीना तोफानीઓને જપ્તામાં फरज पर होय तेमनो पण गुरुवारे टेस्ट करवामां आव्यो हतो, जेनो शुक्रवारना रोज पॉजिटिव रिपोर्ट आव्यो हतो। जिल्लामां पोलीस कर्मीओने सौ प्रथम केस पॉजिटिव आवता पोलीस बेड़ामां खणभणाट मची गयो हतो। रिपोर्ट पॉजिटिव आव्या बाद पोलीस कर्मीने तेमना घरे चलथाण खातेथी बारडोलीनी उका तड़साडिया युनिवर्सिटीमां बनावामां आवेल कोविड 19 सेंटरमां दाखल करवामां आव्यो छे। आरोग्य विभागे रमेशभाईना संपर्कमां आवेल अन्य पोलीस कर्मीओने पण क्वॉरंटाइन करवामां तजवीज हाथ धरवामां आवी हती। जो कि पोलीस कर्मी फरज बाद पोतानी जातने सेल्फ आइसोलेशनमां राखता होवाथी तेमना संपर्कमां आवनारा अन्य कोईने क्वॉरंटाइन करवामां आव्या नथी। मारुं नाम डॉक्टर समीर चौधरी, तालुका आरोग्य अधिकारी पलसाणा। आज रोज अहींया चलथाण गामे एक व्यक्ति जेनुं नाम रमेशभाई काळुभाई रबारी 25 वर्षनो पुरुष छे, तेनो पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव आवता तेने अत्यारे बारडोली खाते महुआ खाते मालीबा कैम्पस में जे क्वॉरंटाइन कोविड केर सेंटर बनायेलू छे ते जग्याए शिफ्ट करवामां आवेला छे। 108 द्वारा हाल अत्यारे अहींया सर्वेनी कामगीरी चालू करी देवामां आवशे। हवे एने जेना लोकोना संपर्कमां आव्यो हशे ते दरेक व्यक्तिने અને એમને કોઈ તકલીફ હોય તો તેની તપાસ કરવામાં આવશે અને અત્યારે આ વિસ્તારને ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં માસ ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવશે અને અન્ય સર્વેલન્સની કામગીરી 14 દિવસ સુધી એમાં ચાલુ રાખવામાં આવશે। ચલથાણ ગામે પોલીસ કર્મી જે બિલ્ડિંગમાં રહેતા હતા તે જલારામ સ્ક્વેર બિલ્ડિંગના 70 ફ્લેટના 287 લોકોને માસ ક્વોરન્ટાઇન હેઠળ અને આસપાસના 9 બિલ્ડિંગના 785 ઘરના 3294 લોકોને ક્લસ્ટર ક્વોરન્ટાઇન હેઠળ અને 6 સોસાયટીના 878 ઘરના 4007 લોકોને બફર એરિયામાં જાહેર કરી આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સર્વેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે।